दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। आगामी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की तरफ से इस बार होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया गया है। मुर्मू का नाम पहली बार सामने नहीं आया है, बल्कि वर्ष 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में वे झारखंड की तत्कालीन राज्यपाल यानी कि द्रौपदी मुर्मू के नाम की चर्चा जोरों पर थी। लेकिन उस दौरान रामनाथ कोविंद के नाम पर मुहर लगी और उन्हें ही राष्ट्रपति चुना गया। अब बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में करीब 20 नामों पर चर्चा के बाद द्रौपदी मुर्मू के नाम पर राय शुमारी बन गई। ऐसे में अगर चुनाव में सफलता मिली तो किसी समय एक क्लर्क के पद पर काम कर चुकी आदिवासी महिला मुर्मू पहली बार रायसीना हिल की सीढ़ियां चढ़ेंगी। दरअसल हम आपको बताते चले कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए एनडीए के तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने जिस द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने रखा है उनके बारे में हम आपको कुछ खास बातें बताएंगे। आपको बताते चले कि द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के वैदापोसी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुड्डू है। वह आदिवासी संथाल परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्याम चरण मुर्मू से हुआ था। दंपत्ति के 2 बेटे और 1 बेटी हुए, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने पति और अपने दोनों बेटों को खो दिया। घर चलाने और बेटी को पढ़ाने के लिए मुर्मू ने एक टीचर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और फिर उन्होंने उड़ीसा के सिंचाई विभाग में एक कनिष्ठ सहायक यानी क्लर्क के पद पर नौकरी की। मां ने नौकरी से मिलने वाले वेतन से घर खर्च चलाया और बेटी इति मुर्मू को पढ़ाया लिखाया। बेटी ने भी कॉलेज की पढ़ाई के बाद एक बैंक में नौकरी हासिल कर ली। इति मुर्मू इन दिनों रांची में रहती हैं और उनकी शादी झारखंड के गणेश से हो चुकी है और दोनों की एक बेटी आद्याश्री है। द्रौपदी मुर्मू ने साल 1957 में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज कर अपने राजनीतिक जीवन का आगाज किया था। जी हां, आपको फिर से हम ये बात बता रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक करियर कहां से शुरू हुआ। आपको बताते चले कि द्रौपदी मुर्मू ने साल 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज की और यहीं से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। साथ ही वह भारतीय जनता पार्टी की आदिवासी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रहे। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिले की रायरंगपुर सीट से 2000 और 2009 में बीजेपी के टिकट पर 2 बार विधायक बने। उड़ीसा में नवीन पटनायक के बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार में द्रौपदी मुर्मू को वर्ष 2000 और 2004 के बीच वाणिज्य, परिवहन और बाद में इन्हें परिवहन के अलावे मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में मंत्री बनाया गया। द्रौपदी मुर्मू मई 2015 में झारखंड के 9वीं राज्यपाल बनाए गए थे। आपको बताते चले कि पहली महिला राज्यपाल के रूप में झारखंड की 9वीं राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू नियुक्त हुए थे और लगभग 5 वर्षों तक इन्होंने राज्यपाल का कार्यभार संभाला। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब भी द्रौपदी मुर्मू के नाम रहा। साथ ही वह किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाले पहली आदिवासी हैं। अगर द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनते हैं तो वह उड़ीसा से देश की राष्ट्रपति बनने वाले दूसरी शख्स होंगे। पता हो कि द्रौपदी मुर्मू से पहले उड़ीसा से बीबी गिरी देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। आपको बताते चले कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा
और मतगणना 21 जुलाई को होगी। वर्तमान में यानी मौजूदा समय में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। और आपको बताते चले कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एनडीए उम्मीदवार के रूप में झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने लाया गया है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।